नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले आज हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस पर एमसीक्यू कैसे बनेगा यह हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0, ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरण को एक साथ हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। यहाँ पहली चीज देखना है कि इसमें चर दो हैं, x और y दो चर हैं, इसलिए यहाँ पर दो चर हुआ, और ये रैखिक समीकरण है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए दो होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, ये देखिए, ये आपका एक उदाहरण है, किसका, समीकरण का, रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण होने के लिए ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये तीनों वास्तविक संख्याएं होगा तभी इसको हम एक समीकरण कहेंगे। दूसरा प्रतिबंध है कि ए और बी कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों शून्य हो जाए तो इसको हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखिए, ये x + by + c = 0 है, ये के जगह शून्य बैठाइए और b के जगह भी शून्य बैठाइए तो क्या आंसर आता है। देखिए, ये शून्य होगा, किसी भी चीज में शून्य से गुना करने पर शून्य हो जाता है, और अंत में हमें c प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण नहीं कह सकते जब a और b दोनों शून्य हो, यानी a और b कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य होगा तो यह रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ax² + bx² = never = 0, यानी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो इसको हम समीकरण नहीं कह सकते, रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। तो हम लोगों ने क्या देखा, दो कंडीशन है। कंडीशन पहला है कि ये ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ये भी कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन रैखिक समीकरण युग्म के लिए होना चाहिए। ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए, दो समीकरण है, मतलब ये समीकरण युग्म है। अब इसका यदि हम ग्राफ में हल करेंगे तो ग्राफ में हल करने के बाद तीन में से एक होगा। क्या होगा, यदि हम इन दोनों का हल करेंगे तो इस तरह की रेखा बने, प्रतिच्छेदी रेखा बने, या फिर प्रतिच्छेद नहीं करे कहीं पर, समांतर बने, या फिर संपाति एक पर ही दोनों समीकरण जाए। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों समीकरण युग्म का केवल एक संभावना हो सकता है। गणित में केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता है हमेशा, 2 + 2 = 4, ये निश्चित है। चाहे आप विदेश में जोड़ो, देश में जोड़ो, पहाड़ पर चढ़ के जोड़ो या पेड़ पर चढ़ के जोड़ो, लेकिन कहीं भी चढ़ के जोड़ेंगे आपको आंसर 4 ही आएगा। इसी तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से
तीन में से कोई एक ही आंसर आएगा, तीन में से एक कोई आंसर आएगा, या तो वो आपस में प्रतिच्छेद कर रहा होगा ये दोनों रेखाएं, या फिर समांतर जाएगा, या एक दूसरे पर ही जाएगा, जिसको हम लोग समपाती कहते हैं, समपाती कहते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहां पर देखें, ये दो रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफ में इसको हम लोग हल किए हुए हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, देखिए यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इस जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म का हल करेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? यह द्वितीय हल होगा, इस समीकरण युग्म का यह द्वितीय हल होगा, यह द्वितीय हल होगा। यदि कोई समीकरण का ग्राफीय निरूपण करेंगे और यह समांतर हो जाए, किस तरह से हो जाए, समांतर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब इसको हम कहेंगे यह संगत समीकरण युग्म, यह संगत समीकरण युग्म, और इसको कहेंगे या विरोधी समीकरण युग्म, या विरोधी समीकरण युग्म। तो ध्यान रखेंगे, यदि प्रतिच्छेद करता है तो इसका अद्वितीय हल होगा, और यदि प्रतिच्छेद नहीं समांतर जाता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यह संगत समीकरण युग्म इसको कहेंगे। लेकिन संपाती होगा, तो संपाती मतलब एक ही रेखा पर दो जा रहा है, तो क्या होगा, इस स्थिति में समीकरण के या परिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसको आप आश्रित समीकरण युग्म भी कह सकते हैं, आश्रित समीकरण युग्म भी कह सकते हैं, या फिर इसको संगत समीकरण युग्म कह सकते हैं, इन दोनों को आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या परिमित रूप से अनेक हल, जब या परिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब समीकरण का हम ग्राफ में हल करेंगे तो एक ही पर दोनों हल जाए, मतलब संपाती रेखा हो, रेखा कैसा बने, संपाती रेखा हो, तो इसको हम कहेंगे। हम लोग इसे उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दो उदाहरण लेते हैं, यानी एक समीकरण युग्म लेते हैं। ये दो समीकरण युग्म हैं। अब इसमें A1 बटा A2 करिए और B1 बटा B2 की तुलना करिए। A1 एक और तीन, और यहां पर -2 और 4, एक कट करके 1/2 आया, आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब हम ग्राफ में हल करेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। कब इस तरह के प्रश्न आता है जिसमें आपको बताना पड़ेगा A1 बटे A2 B1 बटे B2, ऑप्शन आपका दे देगा एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जब इसका हम तुलना करते हैं
तो ये बराबर नहीं होते हैं। जब बराबर नहीं होते हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब ये इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, और जब प्रतिच्छेद करेगा तो निश्चित रूप से यह क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अब एक हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इजकल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इजकल टू 0। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो जा रहा है, मतलब यहां पर 1/2, यहां पर भी 1/2 और यहां पर भी 1/2, तीनों का अनुपात बराबर बराबर आ रहा है। यहां पर a1/a2 बराबर, b1/b2 बराबर, c1/c2 होगा। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों बराबर, तीनों अनुपात बराबर हो तो इसको हम लोग समपाती, क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे, समपाती रेखाएं इसको हम लोग कहेंगे। ये समपाती रेखा हो गया, कौन सा रेखा हो गया, समपाती रेखा। तो ये समपाती रेखा हो गया, जब समपाती रेखा होगा तो इसका यह परिमित रूप से अनेक हल होगा, यह परिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल। देखिए जब एक ही रेखा पर दोनों रेखा गुजरेगा तो इससे अनेक हल होता है, यह ध्यान रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब एक और उदाहरण लीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0 एक अन्य उदाहरण को हम लोग समझेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 आ रहा है, यहां पर भी कैंसिल हो करके 2 × 2 = 4, 1/2 आया, लेकिन 4 × 3 = 12, 1/3 आया, ये बराबर नहीं हुआ। ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यहां पर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट बराबर c1/c2 होगा, यानी ये बराबर इक्वल टू नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो यह हो गया आपका समांतर रेखा। इस तरह के रेखा कैसे होता है, समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। दोस्तों इस टॉपिक से जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इतना ही है, इसी पर प्रश्न आपका आएगा इस यूनिट से। हम लोग कल इस यूनिट का MCQ देखेंगे, किस तरह का प्रश्न बनता है यह हम लोग देखेंगे। तो कल का जो मेरा सेशन होगा इसमें इससे रिलेटेड MCQ किस तरह से बनेंगे, आपके लिए किस तरह का प्रश्न वहां पूछा जाएगा, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम केवल कंसेप्ट बताने आए थे, कंसेप्ट आप लोगों ने मैं समझता हूँ अच्छे तरह से समझ गया होंगे। कल हम लोग फिर से इसका MCQ को समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।